ये हवा बाप रे। और मानसी बेटा बोल रही है पापा जल्दी आइए ना। था मम्मा ना कपड़ा नहीं था मम्मा के पास, पापा के पास भी कपड़ा नहीं था। हाफ पैंट पहन के ड्यूटी करता था जब आप पेट में थी तो हाँ? तो आप आई तो पापा का कपड़ा खरीदाया। हाँ मामा पास दो ही कपड़ा था और पापा के पास वो भी नहीं, जींस जो था ना फटा वाला। कॉल उस साइड है ना तो इसलिए मैं सैंडल पहन के आ गई। और देखिए ला रहे हैं बाइक आराम। तो आप क्यों नहीं जल्दी आ रहे थे बताओ? अरे मैं आने वाली थी। हाँ। तो दोस्तों अभी आप लोग बताइएगा कि मेरे और मानसी में ऐसा कौन सा चीज है जो मिलता जुलता है, मतलब आ गई थी कपड़े चेंज करा दिए और न्यू वाला ब्लाउज पहनाया। आराम से जाइएगा देखिए कैसे खींच रहा है एकदम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। एंड स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और बारिश जो है सुबह से अभी तक हो रहा है और ये देखिए अभी भी बारिश हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। भीगते भीगते जाके मार्केट से सब्जी वब्जी लेके आ गया हूँ। हाँ, और काजल बर्तन वर्तन सारा धोई है और चाय अभी बनाई है दूध वाला। तो मानसी और इया चाय से क्या खा रहे हैं? ब्रेड। या ठंडा लगा था तो या का खटिया यहाँ लगा दिए थे उस टाइम से और हीटर चला दिए थे, आराम से सोई थी। तो दोस्तों बारिश में क्या ही कहें, मतलब कि पहला ही बार इस टाइम बारिश नहीं होना चाहिए वैसे, है ना? पता ना क्यों बारिश हो रहा है। लाओ चाय मेरा। दो तीन दिन तक हो ऐसे दिखा रहा है क्या मौसम? दिखा रहे मौसम। ले भाई बना ना काम। तो फ्रेंड रेसिपी देना है कुछ का? अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम ना आज बहुत दिन बाद पूरा तरह अच्छे से रेसिपी देना आज बनेगा। दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है ना, बारिश में बनेगा आज मटन और चावल, है ना? ये दूसरा व्लॉग है ना, स्टार्ट हुआ है? हाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि इतना ठंडा है ना, क्या बताएं, बाहर में बहुत ज्यादा, मैं देखिए दो दो पहना और ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। ठंड में मटन बनाएंगे आज, फर्स्ट टाइम काफी दिन हो गया था मटन तो आज बना रहे। आप वहीं रहिए प्लीज, नीचे जगह नहीं है एक भी। और दीदी थोड़ा दीदी बोल रही हूँ, दादी थोड़ा बाहर गए हुए हैं, मानसी बेटा उधर है और इधर देख सकते हैं मैं दुकान छानी हूँ, अभी सारे समेटूंगी। टूटेंगे सारे एक खाली पिटाईला संभालना तुम भर लो। धीरे धीरे भुला देंगे तुमको। देखिए दोस्तों खाने वाला वीडियो है। फोन को काहे मार लो, वीडियो मार तू काहे दोस्तों मारी है पीठ पे मुका वीडियो बंद करके। वीडियो मारती तब तो दोस्तों देखते। हटो बेटा थोड़ा मौसम दिखा दो दोस्तों को कितना प्यारा हुआ है। तो इधर देखिए अंधेरा अंधेरा एकदम हवा चल रहा है। मानसिक पापा गए हैं आटा लाने के लिए, फिर भी हम चावल बना दिए, लेट हुआ था तो इसी वजह से। और ये देखिए अच्छा से जाम सोना, एक खाली दादी का देख लेना। इस टाइम बारिश नहीं आ रहा है दोस्तों, खाली हवा चल रहा है। आ रहे रुकिए, हटो बेटा आप अंदर जाओ, देखिए कितना आप अंदर रहिए ठीक है। मैं आपको पास। मेरे पास मैं नहीं आ सकती। और इधर देखिए हमने ना बारिश भी आ रहा है, दादी कहाँ है, हटिए हम लेके आते हैं दोस्तों। अभी जस्ट गई थी मानसी पापा गए छाता लेके। फ्रेंड एक बाइक से आ गया सर, ये दादी को लेके आते हैं। थोड़ा मैं ही थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या कर रहे हैं जी? ये गाना ऐसे ही है ना कुछ? हाँ गाइए। हम रखो उठाई और खाना बन रहा है अभी। तो दोस्तों अभी या ना इधर गई है और हम ला है छाता पर हम बाइक अंदर कर रहे हैं। चाबियां लेके कहाँ आए थे? बाइक को अंदर करने हैं। जाइए ठंडा लग रहा है जी बाहर में, हम एक ही गो नाइटी पहने हुए हैं। सैंडल वेयर के मैं क्योंकि चप्पल मेरा नहीं मिल रहा था, फिर मुझे मैं जाऊंगी तो कल उस साइड है, फिर खाना वाना बनाऊंगी। कल उस साइड है ना तो इसलिए मैं सैंडल पहन के आ गई। और देखिए ला रहे हैं बाइक आराम से सुना। ढक दीजिए इसको ढक्कन से इसका। आ रहे हूँ धक्का दे दूँ थोड़ा। आराम से जाइएगा देखिए कैसे खींच रहा है एकदम। ये हवा बाप रे। और मानसी बेटा बोल रही है पापा जल्दी आइए ना, देख लीजिएगा ये कुछ लगा दीजिएगा। और ये हमारा घर ये क्या बेटा पहले से छोड़ दो ए आराम से, मौसम बहुत खराब है। तो अभी दोस्तों काजल जा रही है खाना बनाने अंदर में और हम जा रहे हैं आटा लाना है, है ना? तो लाओ छाता दे दो, ये फोन ले लो, अपना फोन दे दो, है ना? नहीं धोने का डर है बस और कुछ नहीं, आराम से आ जाओ। बहुत गा रहा है
क्या फ्रेंड इधर देखिए मटन एकदम प्याज गल चुका है और ये अदरक लहसुन हमने कूट लिया है और इसको हम ऐड कर देते हैं और बाकी का मसाला इसमें से निकाल के डाल लेते हैं। इधर देख सकते हैं हमारा मटन, उसको मैं भून रही हूँ, मसाले को अच्छे से पका लेती हूँ। चलिए फ्रेंड अभी हमारा मटन देख सकते हैं इसका मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए हल्का सा पानी यूज कर देते हैं। फ्रेंड खाना बनना आया है और मंसू पापा पास चल रही हूँ मैं कॉल करने कि अभी तक नहीं आए वो, और मंसू बेटा भी पढ़ाई कर रही थी, आ गई थी, कपड़े चेंज करा दिए और न्यू वाला ब्लाउज पहनाया है मस्त वाला उसको। बाप रे, बाहर में दोस्तों देख सकते हैं इतना तेज आंधी तूफान चल रहा है ना। मंसू पापा कब आएंगे हमको टेंशन हो गया, पैदल ही गए, तक डर लग रहा है। देख रहे हैं नहीं दिख रहा, वही वाला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और चल रहे हैं हम दादी के लिए खाना निकाल रहे हैं और मानसी बेटा के लिए निकाल रहे हैं। क्या कर रही हो, क्या खा रही हो? और मटन हमारा बन चुका है देख सकते हैं एकदम, और ये मानसी के लिए, ये दादी के लिए। दादी बोली थी ज़्यादा मत देना बारिश में दिक्कत हो जाएगा, लिया पानी देता नहीं। अरे कुछ चाहिए तो कहे हम, अरे कुछ चाहिए तो कहे हम, और कुछ चाहिए तो बोले। खाली और आटा नहीं था, अभी लाते लाते उनको बहुत लेट हो गया तो सोचे चावल ही बैठा देते, सबको भूख लगा इसलिए। ठीक बा, ये तीन कंबल उठा दिए क्योंकि आज बारिश हो रहा ना और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए तीन कंबल उठाए हैं ताकि ठंडा लगे। और ये वाला एक कंबल हम लोग ओढ़ रहे हैं, ये सोचे कि ऊपर रखे थे बॉक्स में नहीं रखे थे तो दिक्कत हो जाता। तो अभी सो गई अच्छे से, और ये दरवाजा इधर बंद है, ये भी बंद कर दे दरवाजा, उसको खोल दीजिएगा दादी। दादी बोला गेट हम पहले लगा के थे। हाँ, और इसको खोल दीजिए, इसको खुला है मतलब कैसे खड़िया दिए तब से दादी को बाहर जाना होता है। रिंग लाइट बंद कर दो, सब लोग सो, अभी ना बंद करनी हम सोते का, सर में दर्द हो रहा है, गला पता नहीं क्यों, पानी से भीगा है ना इसलिए ना, बारिश का पानी पड़ा है। क्या करूं बेटा मैं, भीग भीग क्या, अरे ये गुम हो जाएगा तो बाइक नहीं चालू होगा, पकड़ पकड़ ऐसा कैसे, बारिश आई छम छम छम, लल्ला नाचे झम झम झम, अब नाचे छम छम। आपको डांस आता है? नहीं। एबीसीडी आता है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नहीं नहीं वो नहीं है। कौन सा एक कहानी सुनाई थी काजल? तितली। हाँ तितली वाला कहानी सुना। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, तितली उड़ी उड़ ना सके बस पे चढ़ी, सीट ना मिले फिर रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, फिर बोली हर बदमाश। बफरी 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 बफरी। लल्ला आप तेज हो रही है पढ़ने में, स्कूल जा रही है ना इसलिए। कौन सा? वो जो आप याद कर रही थी, पका पेड़ पे, पका पपीता। अगर लाइट होता ना, लाइट आता थोड़ा सा हाथ पर सेक के तब सो जाती। लाइट है नहीं, लाइट शाम से ही कटा है, इसलिए याद कर लो। चलिए खाना पीना तो मैं खा ली थी और दाई भी मैं खा लेती हूँ, दवा लाई थी मंसूर पापा। भैया पानी रख रहे हैं, पानी रख दो लेने, खटे के नीचे नीचे रख, मेरा गिरा था, खटे नीचे ही था। मम्मा ना कपड़ा नहीं था मम्मा के पास, पापा के पास भी कपड़ा नहीं था, हाफ पैंट पहन के ड्यूटी करता था जब आप पेट में थी तो। हाँ? तो आप आई तो पापा का कपड़ा खरीदाया। हाँ मामा पास दो ही कपड़ा था, और पापा के पास वो भी नहीं, जींस जो था ना फटा वाला वो ऐसे जैसे कि नीचे से, वो दोनों तो आप ही लेके आए थे ना, किसी ने दिया था प्लेट वाले वही। हाँ, काजल के लिए, और ऐसा जैसे जींस था ना तो ये फट गया था यहाँ पे पूरा, ये पूरा ठेवना होना पे, तो उसको यहाँ से कट करके ऐसे मोड़ के तब पहन के हाफ पैंट, तब मैं जाता था ड्यूटी करने तो सब लोग चिढ़ाते थे कि मिथुन पास कपड़े नहीं है। तो आप क्यों नहीं जल्दी आ रहे थे बताओ? अरे मैं आने वाली थी। आने वाली थी? हाँ। तो आप तो यहाँ भी नहीं आई, हॉस्पिटल में भी नहीं आ रही थी, फिर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में क्यों आई बताओ? रास्ते में ही आना था। हाँ। बस में ही आने लगी आप? बस में ही आने लगी आप, बोली कि मैं भी बस में जाऊंगी। आपको बस में मजा आता है इसलिए आ रही थी। इतनी छोटी थी तो मैं सब कुछ पढ़ ली थी। पढ़ ली थी? हाँ। ठीक। आपको पता चल रहा था हम लोग रोड पे भटक रहे थे, रो रहे थे,
कोई गाड़ी वाला नहीं मिल रहा था, पैसा भी नहीं था किराए के लिए, आपको पता चल रहा था, सुनाई दे रहा था? हाँ। तो आप क्या सोच रही थी? मैं तो अपना पैर ऐसे कर रही थी। हाँ, पैर मार रही थी। पहले सच में मारती थी ना, काजल बोलते थे देखिए ना यहाँ पे मार रही है पैर। तो हम टूक के देखते थे मान जी का पैर। हाँ, पर आपको भी कर दी ना मैं। हाँ। कितने क्यूट है मेरी लल्ला। इधर आओ, इधर आओ। हंसा रही है। तो फिर आप आ गई। मैं खरीद दी। हाँ, आ गई तो खरीद दी कपड़े पापा को, है ना? हाँ, और आपका? हाँ, और मैं भी अपना और अपना घर है। मानसी मेरी बेटी नहीं, मेरी लक्ष्मी है। और अपना घर भी हो गया है ना। हाँ। उस टाइम घर भी नहीं था, घर के तो सोचा ही नहीं था। हाँ, गाड़ी भी हो गया। हम लोग को पता नहीं ये क्यों नहीं सोच, अभी जितना टेंशन होता है सोच के घर का सब कुछ का, उतना पहले नहीं, उतना पहले नहीं होता था, कुछ भी नहीं जाना था कि हमारा जिंदगी का, हम सोचते थे जिंदगी यही है, यही है बस, जिंदगी यही तक सीमित है। लेकिन इतना नहीं समझ में आ रहा था कि जिंदगी बहुत लंबी है और कैसे गुजारा होगा। हम लोग सोचने कब लगे, जब जुग्गी में रहने लगे ना, कुछ दिन तक वो दोनों, जब मानसी बड़ी होने लगी ना धीरे धीरे, तब थोड़ा सा टेंशन होने, सबसे पहले ख्याल आपका आया था कि बड़ी होगी, मानसी बड़ी होगी तो पूछेगी घर कहाँ है तो क्या बताएंगे। यहीं से शुरुआत हुआ दोस्तों, मानसी बड़ी हुई होगी तो पूछेगी घर कहाँ है तो आप क्या बताएंगे। हाँ, मैं मानसी पापा से पूछी। हाँ, ये पूछी और वहीं से मेरे माइंड में थॉट आया घर का, और उसी के बाद से फिर हम लोगों ने सोचना चालू किया कि पैसे पैसे पैसे, और अलग अलग तरीकों में कहाँ कहाँ मैंने सब चीजों में मतलब की कोशिश किया कैसे भी पैसे कमाना है, एक मिनट वेस्ट नहीं करना, ये सोचता था। जब जुगी उड़ा था ना तो मैं सोई थी, तो सोची आज तोड़ गया, फिर कहीं जाना होता तो कहाँ जाएंगे, सब लोग कोरोना वरुना आया, सब लोग अपने घर चले गए, हम लोग फिर मानसी बड़ी होगी तो पूछेगी हमारा मेन घर होता है ना कहाँ है, तो वहीं से माइंड में थॉट आया कि घर चाहिए, मेरे को घर चाहिए, और वहीं से मैंने मेहनत स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया। धूप लग रहा था आपको, अब तो मेरे में छुपी गई थी जुगी उड़ गया था, तब से लेके आज तक हर एक मिनट को हम लोग यूज करते हैं। हाँ। रात में कभी दो दो बज जाता है, तीन तीन बज जाता है, वीडियो शूट करते करते, और अभी हो सके तो करेंगे भी, और तब जाके मतलब कि अब तो इतना तो हो गया कि मानसी को या फिर आने वाले बच्चे को भी हम लोग आने वाले हाँ रियली में आने वाले बच्चे को भी हम लोग ये कह सके कि ये है आपका घर, या फिर और भी बच्चे होंगे क्या कहेंगे आपने किया क्या है, तब से हम लोग बच्चे का भी तो सोचे ना तो क्यों नहीं सोचो, तो यही सब बात था आराम से। और कई जगह मानसी पापा भरपूर कोशिश किए थे, काफी अच्छा खासा वहां से भी रिस्पांस आया था। तब से हम लोग मतलब अपनी लाइफ को सोचे कि भाई ये जो टाइम है ना, अगर अभी हम लोग ये टाइम को बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आपके पास भी अगर जो भी समय है चल रहा है वहीं से स्टार्ट कर लीजिए कुछ भी। हाँ। क्योंकि अगर जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, और यही एज होता है जो कुछ करने का, क्योंकि आगे वाला एज जो अगर शादी हो जाता है ना तो आप फंस जाते हैं फिर फैमिली में मोह माया सब कुछ में, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारा पास एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरा नाइट में ड्यूटी था तो डे मेरे लिए पूरा फ्री था, तो दिन में हम लोग काम करते थे अपना वीडियोस वगैरह सब कुछ, तो ये अच्छा हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट था। आप लोग अगर दिन में ड्यूटी होता तो रात में क्या ही बनाते हम लोग और दूसरा ये कि साइड पे ही रहते थे, अगर रूम पे रहते तो भी अच्छा से नहीं बन पाता कुछ भी। तो दोस्तों अभी आप लोग बताइएगा कि मेरे और मानसी में ऐसा कौन सा चीज है जो मिलता जुलता है, मतलब कि हमारे में क्या सिमिलर है। मैं बता दूं, कान सिमिलर है। एक मेरे को भी नहीं पता था, हॉस्पिटल में ले गए थे ना सुरभि में, तो एक आंटी बोली कि आपकी बेटी के नाक, हाथों का नाखून और कान एकदम आपके जैसा है। मेरे जैसा? हाँ, और मैं गौर कर रही थी। हाँ, ये देखिए हाथों का नाखून और पैरों का नाखून और कान। सही सही में ये देखो, ये देखो ये नाखून है ना। किसकी पुत्री हो बताओ बताओ, पता है मैं ना, दोस्तों से बता दो किसकी पुत्री। जुगी में लगाई थी ना वो फोटो जो होता है ना, तीन बच्चे रहते हैं वो वाला, इसलिए मानसी ऐसे हुई। पापा की पुत्री, पापा की पुत्री है, बोपरी बोपरी बोपरी, आ जाओ लड़ते हैं ये। हाँ। कौन जीतेगा बताओ, आप नहीं जीतोगी लगता है, प्यारी बेटी हारने वाली है।
जीत गई जी, पूरा जोर लगा दिया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया पापा, है ना? ये पूरा जोर लगाई थी मानसी। आपको क्या क्या याद हुआ है बेटा पढ़ाई में? एक गिर जाएगा। अच्छा खेलो, उधर खेलो, उधर खेलो। क्या क्या याद हुआ है पढ़ाई में? जा मम्मा से बताओ। मुझे याद नहीं है। याद ही नहीं है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं यादें करा दूंगी आपको, ठीक है? बताओ कितनी लंबी हो थोड़ी सी। जाओ पापा में नपा के बताओ कितनी लंबी हो थोड़ी सी। अरे आप तो पापा इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ लल्ला मेरे जैसा हो गई, मेरी इतना बड़ी। मैं अपनी तो आप तो ससुराल चले जाओगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं घर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं। पापा के पास रहोगी? हाँ। ठीक, लेकिन पापा तो उसमें एक ही रूम बनवाए हैं बेटा। एक ही रूम? हाँ। सब बनेगा ना? हाँ बेटा, हाँ धीरे धीरे बनेगा। मैं आपके लिए सिटी में घर बनवा दूंगा, ठीक है? हाँ यही सोच रही हूँ बेटा, फिर बेबी आएगा दूसरा। नहीं अब लड़ेंगे नहीं, मैं थक गया। और मानसी पता है आज क्या बोल रही थी? बस बस कि निपल सुनिए ना, आप निपल क्यों मंगा रही थी पापा जी से? कुछ काम की आए मेरे कान में बताई थी, पापा जी से मत बताइएगा, मैं छोटा बेबी के लिए मंगा रही हूँ। अरे बाप रे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताई हूँ बेटा। नहीं बताई, सब देख लिया मैंने, सब देख लिया। मैं बताई थी आपको, नहीं बताई थी ना? नहीं, मैं तो दूसरा कुछ बोल रही थी। क्योंकि दादी उनको बोली है ना कि आएगा बाबू तो खेलना। दादी को अभी भी लगता है खेलना उसके साथ। क्या है पूरा रियलिटी हम बताएंगे अगले ब्लॉग में, है ना?